देख रहे हैं आपका चैनल लीडर हाय, मेरा नाम है तमन्ना। मैं आप लोगों के सामने प्रतिभा के माध्यम से आपका चैनल पर दिखूंगी, सो देखते रहिए आपका चैनल। जिला सोलन की ग्राम पंचायत बढ़लक के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बढ़लक का वार्षिक उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें दून के विधायक परमजीत सिंह पम्मी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बढ़लक स्कूल परिसर में पहुंचने पर परमजीत सिंह पम्मी का प्रधानाचार्य, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों और बच्चों ने भव्य स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने मां सरस्वती की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इसके पश्चात स्कूल प्रबंधन द्वारा आए हुए मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। उनके साथ अन्य विशिष्ट अतिथियों को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मान दिया गया। वंदे मातरम से शुरू हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों ने स्वागत गीत, सरस्वती वंदना, योग प्रदर्शन, पीटी प्रदर्शन, देशभक्ति पर आधारित एकल गीत, पंजाबी, हिमाचली नाटी प्रस्तुत करके दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। बच्चों द्वारा प्रस्तुत पंजाबी नृत्य तो इतना बेहतरीन था कि मुख्य अतिथि भी मंच पर आकर बच्चों के साथ थिरकने लगे। कार्यक्रम के मध्य में स्कूल के प्रधानाचार्य दीपक अवस्थी ने आए हुए मुख्य अतिथि व अन्य अतिथियों का स्वागत करते हुए स्कूल का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि स्कूल में बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियां भी करवाई जाती हैं, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। उन्होंने अपने स्कूल के शिक्षकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनका स्टाफ हर कदम पर उनके साथ सहयोग करता है, जिसकी वजह से उनके स्कूल के बच्चे हर क्षेत्र में स्कूल का नाम रोशन करते रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं दिनेश। बहुत जल्द आप मुझे आपका चैनल पर प्रतिभा सीरियल में देखेंगे, तो देखना ना भूलिए आपका चैनल। निखर जाएगी अपनी प्रतिभा।
आप लोगों के सामने प्रतिभा के माध्यम से आपका चैनल पर देखूंगी। सो देखते रहिए आपका चैनल। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में स्कूल के वार्षिक उत्सव में बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए संदेशात्मक कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं, शिक्षकों और अभिभावकों की दूरदर्शिता से ही बच्चों में सकारात्मक सोच का सृजन किया जा सकता है, जिसके लिए सभी को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी आवश्यक है। फिर चाहे वो संपूर्ण स्वच्छता की सोच हो, या पॉलिथिन प्रयोग न करने का संकल्प हो, या फिर जल संरक्षण का प्रण, ये तभी संभव होगा जब हम सब इसको क्रियान्वित रूप से अपनाएंगे। उन्होंने स्कूल के बच्चों के कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए अपनी ओर से बच्चों को 5100 रुपए की राशि भी प्रदान की। कार्यक्रम के अंत में स्कूल में शिक्षा तथा अन्य गतिविधियों में अव्वल रहे बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। कुठार जिला सोलन से आपका चैनल के लिए राजीव खामोश की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आपका चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर अपडेट की नोटिफिकेशन।